रामपुर गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश की पत्नी अनामिका बहुत ही मासूम थी। देखने में रंग उसका बहुत गहरा, इसीलिए कई लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। पर अनामिका को इन बातों से कोई परेशानी नहीं थी। उसके पति, उसके सास ससुर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। अरे बेटा, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। विजयी हो बेटा। बेटा, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए आज संतरे ले आना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। ठीक है पिताजी, ले आऊंगा। बेटा अनामिका, इसके सामने जाओ, फिर सब भला होगा इसका। अनामिका सामने जाती है, रमेश उसे देखता है, मुस्कुराता है और निकल जाता है। पर शाम को रमेश नहीं, रमेश की डेड बॉडी आती है। आसपास के लोग रमेश की डेड बॉडी घर ले आते हैं। रमेश की ऐसी हालत देख के शारदा और अनामिका पागलों की तरह रोने लगती है। फिर प्रसाद अंतिम संस्कार में जो जो होता है वो सब करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद घर में अंधकार ही छा गया। रमेश के इस तरह से चले जाने पे घर के सभी लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब थी। एक दिन अनामिका मंदिर जाती है। उसे देखकर गांव वालों के मुंह में जो आता है वो कहते हैं, जो अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत रोती है। वो घर लौट आती है। उसे देखकर शारदा प्रसाद चिंतित होते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मुझे बताओ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं है तो और सहन नहीं होता। लोगों की बातें सुन सुन के मैं थक गई हूँ। बेटा अनामिका, लोगों की बातें सुनोगी तो कैसे चलेगा? उनकी बात मेरी वजह से हुई है। मैं ही इस घर में बदकिस्मत हूँ। मैं काली हूँ, इसीलिए घर में काला साया छा गया। लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं ऐसी बातें नहीं सह पा रही हूँ। देखो बहू, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे सास ससुर है, तुम अनाथ नहीं हो। अपने मन को मजबूत करो। लोग तो सांप होते हैं, वो काटेंगे डराएंगे, पर तुम्हें उनसे सतर्क रहना होगा। लोगों की बातें लोगों की जान ले लेती है। ऐसे परिस्थिति में मैं यही कहूंगी कि तुम बस हमें समझने की कोशिश करो। तुम चिंतित रहोगी तो हम चिंतित रहेंगे, हमें इस बात से बुरा लगेगा। ठीक है सासुमा। ऐसा कह के अनामिका सासुमा से जाके लिपट जाती है। सासुमा बहू को समझाती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन शारदा और प्रसाद मिलके एक खास फैसला लेते हैं। बहू की फिर से शादी कराएंगे तो हम खुश रहेंगे और बहू भी नई जिंदगी शुरू करेगी। हाँ जी, आपने सही कहा है, पर बहू अभी हमारे बेटे को भूल नहीं पाई, हमें उसे समझाना होगा। मैंने पहले एक रिश्ता देख रखा है, मेरा दोस्त का बेटा है ना विजय, वो आर्मी में काम करता है। अभी उसके पैरों में चोट आई है, इसीलिए वो घर पे ही है। कुछ और दिन लगेगा उसे ठीक होने में। उसके साथ अनामिका की अच्छी जोड़ी बनेगी। नहीं जी, वो विजय अपना परिवार का देखभाल नहीं कर पाएगा, सिर्फ ड्यूटी के बारे में सोचेगा। ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है ये अच्छी जोड़ी होगी। ठीक है, एक काम करती हूँ, पहले पंडित जी को बुलाते हैं। उन्होंने कहा था दो और रिश्ते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं आई फिर हम इस बारे में सोच के देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है शारदा, पर उससे पहले बहू से जाके बात करो इन सारी बातों के बारे में। इस तरह शारदा अपनी बहू अनामिका के पास जाती है उसकी शादी के बारे में बात करने। शुरुआत में अनामिका शादी के लिए तैयार नहीं होती है, पर जब शारदा गुस्से से कहने लगती है तब अनामिका मान लेती है। अगले दिन दूल्हा के परिवार वाले घर आते हैं। वो अनामिका का रंग देख के बहुत डर जाते हैं। दूल्हा गुस्से में आके अनामिका के काले रंग को लेकर अनामिका से बहुत गुस्से में उल्टी पुल्टी बातें करने लगता है। फिर बिना कुछ कहे सुने वो उनके घर से तुरंत निकल के चले जाते हैं। देख लिया ना सासुमा, अगर अभी भी चाहती है कि मुझे दुख ना हो तो आप कृपया ये सब करना बंद कीजिए। अब मैं शादी नहीं करना चाहती, लोग मुझे अलग नजर से देख रहे हैं, जो कि पहले से भी ज्यादा बदतर है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखना बंद कर दूंगी। सुनो बेटा, मेरा दोस्त का बेटा है, वो आर्मी में काम करता है। बेचारे को चोट लगी है, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ रहा है, वो आज ही आ रहा है। शारदा, देखना उसे कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो हमारी बदनामी होगी।
ठीक है, हमारी बहू है ना, वो कभी बदनामी होने नहीं देगी। अनामिका, ध्यान रखना, उसे जो भी चाहिए वो दे देना। ठीक है सासू माँ। शारदा प्रसाद बहुत खुश होते हैं। अगले दिन ही उनके घर विनय आता है। विनय चलने की परिस्थिति में नहीं था, वो लकड़ी का सहारा ले रहा था। विनय के घर आने पे शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। बेटा अनामिका, बच्चे को कमरे तक ले जाओ, मैं और पिताजी दुकान से आते हैं घर का राशन लेके। ठीक है सासू माँ। प्रसाद और शारदा राशन का सामान लेने चले जाते हैं। इस तरह अकेला छोड़ने का क्या मतलब होता है, बेचारी अनामिका घबरा जाएगी। हम बाहर निकल आएंगे तभी तो उन्हें बात करने का मौका मिलेगा। विनय अच्छा लड़का है, वो अनामिका को देख के नहीं डरेगा। उसने अनामिका के रंग को देख के भी कुछ नहीं कहा, ऊपर से अनामिका भी गई उसकी मदद करने के लिए। पहले ही मैंने कहा था इन दोनों की शादी कराते हैं। फिर हमें कुछ दिनों के लिए घर पे नहीं रहना चाहिए, काम के बहाने से बाहर चले जाना चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे, फिर दोनों की मन की बात जान के शादी करा देंगे। हाँ ये अच्छा सोचा है, इतनी अच्छी तरकीब तुम्हें कहाँ से आती है। बहुत मजाक हो गया अब। हाँ अब टूर के बारे में सोचिए। फिर शारदा और प्रसाद जरूरी किसी काम के बहाने से बाहर चले जाते हैं। एक हफ्ते तक अनामिका विनय का बहुत सेवा करती है, उसे जो चाहिए पका के देती है, उसे चलने में भी मदद करती है। जब तक शारदा और प्रसाद लौट आते हैं तब तक विनय खुद से चलने लगा था। फिर शारदा अनामिका से अकेले में बात करती है। इतने दिनों से तुमने विनय को देखा, तुम क्या उसके साथ रह पाओगी? अगर पसंद हो तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी बेटा। इतने दिनों तक उसे मैंने बच्चे की तरह संभाला, उसने मुझे परेशान नहीं किया, उसने बहुत हंसाया। मैं ना रहूं इसलिए उसने कई अच्छी बातें कही, उसने एक बार के लिए भी मेरे रंग के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, बहुत खुश हुई, शादी की तैयारी करते हैं फिर। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका शर्म से सर झुका लेती है और वहाँ से चली जाती है। दो दिनों के बाद एक अच्छा मुहूर्त देख के अनामिका और विनय की शादी करा दी जाती है। बहू के काले रंग की वजह से शादी के लिए रिश्ता ढूंढने में जो तकलीफें उन्होंने उठाई थी, इस शादी से वो सब भूल जाते हैं। तब से वो बहू को बेटी की तरह मानने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। रामपुर गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनकी ऐसी परिस्थिति थी कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। उनका एक बेटा था रमेश, जो खेती बाड़ी करता था। कैसे भी इलाज करके वो अपनी माँ को जिंदा रखा था। शारदा क्योंकि सयाग्रस्त थी इसीलिए वही अपनी माँ का देखभाल करता था। शारदा की बस एक ही इच्छा थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए। उस दिन डॉक्टर साहब उनके घर आते हैं। क्या बेटा, तुम अपनी माँ को समय पे दवाई नहीं दे रहे हो? दे रहा हूँ सर, इस बार कोई खांसी की दवाई दे दीजिए, दो दिन से बस खांसी ही जा रही है। ऐसा, मुझे एक बार जांच करके देखने दो। ऐसा कह के डॉक्टर साहब शारदा का हाथ देखते हैं, फिर स्टेथोस्कोप से उनकी जांच करते हैं, फिर आंखें भी देखते हैं, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयां लिख देते हैं। देखो रमेश, तुम्हारी माँ की अब जान जाने ही वाली है, कई दिनों से उन्होंने अपनी जान रोक कर रखी है। उनके मन में बहुत दर्द है, वो बर्दाश्त कर रही है। वो ऐसा कर रही है ताकि उनके मन की इच्छाएं पूरी हो सके। अगर उनकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए तो शायद वो पहले जैसे भी हो जाए। एक और चीज, अगर उनकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए तो शायद ये भी हो सकता है कि उनकी जान चली जाए। उनके दिमाग में क्या है ये तुम्हें पता लगाना होगा। आगे दवाइयां देते रहो। ठीक है सर। डॉक्टर साहब जैसे ही चले गए, रमेश सोचने लगा कि माँ के दिमाग में आखिर में चल क्या रहा है। वो अपनी माँ के बगल में बैठा और धीरे धीरे बात करने लगा। माँ, बचपन से मैंने जो भी मांगा तुमने सब कुछ दिया, पर मैं ही तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो माँ। बताओ माँ तुम्हारे मन में क्या है, मैं वो जरूर पूरा करूंगा। रमेश की ऐसी बातें सुनके शारदा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बात करने लगती है। बेटा तुम्हें शादी करनी चाहिए, मैं तुम्हारी शादी देखकर मरना चाहती हूँ, तुम शादी कर लो बेटा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। रमेश को पता नहीं था वो क्या करेगा। वो बाहर आके बहुत रोता है क्योंकि उसके प्यार की शादी हो चुकी थी, अब उसे भी शादी करनी होगी बस उसके माँ के खातिर। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, कैसे भी उसे अपनी माँ की ये आखिरी इच्छा पूरी करनी ही थी। इसीलिए
अपनी शादी की बात चलाने के लिए वो एक पंडित जी से जाके मिलता है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो नहीं लगा था तुम आओगे। तो आपका क्या कहने का मतलब है, मैं यहाँ कभी आ नहीं सकता? अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं, तुमने सोचा था ना शादी नहीं करूँगा। बहुत पहले मैं तुम्हारे लिए रिश्ता भी लाया था पर तुमने ना कह दिया था, इसीलिए ऐसा कहा। पर तुमने अपना मन बदल लिया ये देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे अपनी माँ के लिए बहुत जल्दी शादी करनी होगी। फिर अनामिका नाम की एक लड़की है गांव में, बहुत अच्छी लड़की है लेकिन बहुत गरीब है। ऐसी हालत है कि शादी भी नहीं कर सकते, पिता नहीं है, माँ है शकुंतला, वो एक झोपड़ी में रहते हैं। कोई ऐतराज ना हो तो उसके साथ शादी तय कर दूंगा, क्या कहते हो? ठीक है पंडित जी, मेरी माँ भी अनामिका को बहुत पसंद करती है। उन दिनों अनामिका भी मेरे माँ के साथ खेत जाया करती थी। उस लड़की से बात करो और उसे मंदिर ले आओ, हम मंदिर में ही शादी करेंगे। माँ की हालत बहुत गंभीर है, मुझे जल्दी शादी करनी होगी। ठीक है, फिर मैं उस लड़की से बात करता हूँ और तुम्हारी माँ के पास आने को कहता हूँ, वही शादी कर लो। ठीक है, फिर जल्दी आइए। पंडित जी अनामिका से बात करके उसे वहाँ ले आते हैं। रमेश भी अपने माँ के पास पहुँचता है। उसी दोपहर में रमेश अनामिका से शादी कर लेता है अपनी माँ को साक्षी रख के। फिर दोनों शारदा से आशीर्वाद लेते हैं। बेटे की शादी देखकर शारदा की आंखें नम हो जाती है। अब मैं शांति से मर सकती हूँ, शांति से मर सकती हूँ। बेटा अनामिका, मेरे बेटे का ख्याल रखना। सासू माँ, क्या आप अपनी पोती को नहीं देखना चाहती? पिताजी फिर से लौट आएंगे, आप उनसे नहीं खेलना चाहती? वो तो चाहती हूँ पर अब ताकत नहीं बची, शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। मैं हूँ ना आपके साथ माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। अनामिका की बातें सुनके शारदा को शांति मिलती है। रमेश भी अपनी माँ को देखकर खुश होता है। उस दिन से अनामिका शारदा का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है, वो भी बहुत प्यार से। हर दिन वो शारदा को नहलाया करती थी, उसे अपने हाथों से खिलाया करती थी और बातचीत करके उसे हंसाया भी करती थी। दो दिनों के बाद डॉक्टर साहब आते हैं, वो शारदा की परीक्षा करते हैं। शारदा में परिवर्तन देखकर वो बहुत खुश होते हैं। रमेश, मैं बहुत आश्चर्य हूँ, तुम्हारे माँ में बहुत परिवर्तन आया है, वो ठीक हो रही है। अगर इसी तरह तुम और 2 महीने देखभाल कर लो तो वो पहले जैसे हो जाएगी और पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगी। रमेश, मेरी बात मान लो। मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब, अब आप दवाइयाँ नहीं देंगे क्या? अब उन्हें दवाइयों की जरूरत नहीं, दवा देखभाल स्नेह और प्यार से ज्यादा ताकतवर है। अब तुम्हारी माँ को भरपूर वो मिल रहा है, वही उसे बचा रहा है। डॉक्टर के बातों से रमेश बहुत खुश होता है। अनामिका अपनी सासू माँ शारदा को मंदिर ले जाती है, फिर शारदा को वो खेत में भी ले जाती है, वहाँ उसे सुंदर सुंदर फूल दिखाए। उन जगहों को देखकर शारदा में बहुत बदलाव आया। शांति से वो अपने बहू से बहुत बातें की। बेटा अनामिका, बहुत समय हो गया था इन जगहों को देखे हुए, ये सब देखकर मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुस्कुराते रहेंगी ऐसी तो आप अच्छी रहेंगी, आप अच्छी रहेंगी तो हम सब अच्छे रहेंगे, हमें आपकी खुशी तो चाहिए। शारदा अनामिका जब ऐसी बातें करी रही थी तब अचानक से अनामिका को चक्कर आ जाता है। शारदा बहुत घबरा जाती है। रमेश जल्दी से डॉक्टर को बुला ले आता है। डॉक्टर परीक्षा करके कहते हैं कि अनामिका अब गर्भवती है। ये सुन के शारदा 1000% बलवान हो जाती है। रमेश खुशी से झूम उठता है। अरे बेटा, बहू का अब देखभाल करना होगा, अब वो कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है माँ। तुमने कहा है मुझे पोता दोगी, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मेरे पास पोता आएगा। आज से ही घर में एक नौकर रख लेता हूँ माँ, वो अनामिका का देखभाल करेगी। मेरी बहू बहुत अच्छी है बेटा। शारदा और रमेश अनामिका का बहुत प्यार से देखभाल करते हैं। बिल्कुल 10 महीनों के बाद अनामिका एक पुत्र संतान को जन्म देती है। शारदा बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। अनामिका और रमेश की आंखें भर आती है और वो अपने बच्चे को चूमते हैं। अनामिका की देखभाल और स्नेह के कारण शारदा का स्वास्थ्य वापस सामान्य हो जाता है। वो खुशी खुशी अपने पोते के साथ खेलते हुए जीवन बिताने लगती है। रमेश भी अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से देखभाल करता था और इस तरह वो परिवार हंसते खेलते बच्चे की किलकारी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।